दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर 1947 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया, जनरल साइंस में हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था दोस्तों, उसमें हमने 48 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे 49 यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 49 सही कह रहा है, जंगरोधी इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील का निर्माण इस्पात का मिश्रणात्मन किससे होता है, बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, क्रोमियम और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर, ये कह रहा है कि तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, प्लम बिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 51 नंबर, ये कह रहा है एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है दोस्तों, बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, इसका ध्यान से पढ़ लेना से एक बार। तो ये कह रहा है निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, क्या ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 54, ये कह रहा है अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, बताइए दोस्तों इसमें आधार धातु कौन सी है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, पारा जो है इसमें आधार धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 55 नंबर, ये कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, क्या तनुता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 56, ये कह रहा है बेर का अभिकर्मक क्या है, किसका, बेर का अभिकर्मक। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 57, ये कह रहा है स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप है, बताइए दोस्तों कितना सोने का, मतलब कितना शुद्धतम रूप माना जाता है कि इतने कैरेट का जो होता है वो स्वर्ण, मतलब सोना जो होता है वो शुद्ध होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट रहेगा, 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58 नंबर, ये कह रहा है लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन तथा जल। फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो जंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तरह तरह से, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है किस तरह से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन को कितनी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर तरह तरह से एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ आपके लिए, जितने भी पीछे कराए हैं सारे रेलवे SSC यानी कि जितने भी एग्जाम हैं स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल जितने भी, सो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, लास्ट में स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 49 नंबर, ये कह रहा है बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है, 18 कैरेट सोना होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60 नंबर, ये कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, बताइए दोस्तों, ये दिया है यहाँ पर कौन सा सही मेल खाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, हेमेटाइट तांबा दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ से मैच है, ठीक है, बकाया सारे जितने भी हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारे पास 61 नंबर ही कह रहा है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। जर्मन का जो सिल्वर होता है उसमें बताइए कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट रहेगा, क्या क्या होता है, तांबा, जस्ता और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर, ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। जहर मतलब उसके शरीर में जो गोली लगती है दोस्तों, अगर वो गोली नहीं निकाली जाए तो उन गोलियों में से जो जहर निकलता है दोस्तों वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, क्या, शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 63 नंबर, ये कह रहा है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है, बताइए दोस्तों कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, कॉपर, जिंक, निकिल। कॉपर, जिंक, निकिल का। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट आपको आगे मिल जाएगा नेक्स्ट डे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।